जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम मीर है. हम मटन होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं, बहुत यहाँ पे हैं. इस प्रोटेस्ट के बारे में प्रोटेस्ट हमारा इसलिए है कि हमारा प्रोटेस्ट रेट के बारे में है. 480 रुपये गवर्नमेंट ने रेट दी है और हमारा जो है पिछले 6 महीने से हम 600 रुपये भेज रहे हैं, जिसमें कस्टमर भी ले रहा है. तो पर पिछले महीने फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर ने बोला कि रेट जो है वो 480 है. तब से हमारी दुकानें बंद है. जो बाहर से माल आ रहा है वो भी उस रेट में नहीं आ रहा है. जहाँ दिल्ली अमृतसर की बात करें, जहाँ भी फोन करते हैं वहाँ से करें, सीकर सारे जो बाहर के स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उसमें 600 से ऊपर रेट है, उसमें ये रेट नहीं है. तो हमारा मुतालबा ये है कि हम डायरेक्टर फूड से कहना चाहते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 20 ऐसी दुकानें हैं जो 480 रुपये में फ़रोख करती है, लेकिन वो 480 रुपये में तब फ़रोख करती है जब उनके सामने फूड डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, बाकी वो 600 रुपये में बेचते हैं. आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है, अगर हमें बाहर से इस रेट पे माल नहीं मिल रहा है, या तो हमारी रेट बढ़ाई है. अगर हमें इस रेट पे नहीं मिल रहा है तो फूड एंड सप्लाई वाले कहते हैं कि हमारे पास 80,000 यूनिट्स है, एनिमल हस्बेंड्री के 80,000 यूनिट है. उसमें से अगर वो एक एक नग भी हमें देंगे, 80,000 नग कश्मीर के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है. तो हमारा मुतालबा यही है. हमारे साथ बहुत सारी नाइंसाफी हो रही है, हद से ज़्यादा. हमारी 30,000 फैमिलीज इस पे डिपेंड करती है. हमें पिछले 1 महीने से पूरे बैठे हुए हैं.